हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। सो अभी बज रहे हैं सुबह के 9:30, 9:23। और सुबह सुबह मैंने एक बहुत ही खतरनाक चैलेंज ले लिया है। मतलब चैलेंज मैंने लाइक जानबूझ के नहीं लिया है, मैं लाई थी एक नूडल्स, ठीक है, जो रामेन था। एंड आई डिड नॉट नो कि वो बहुत ज़्यादा स्पाइसी होगा, और उसका मसाला था और उसमें सीजनिंग ऑयल भी था, तो दोनों इतना लाल लाल थे, मतलब देख के डर लग रहा है। सो दिस इज़ प्रोबेबली गोइंग टू बी लाइक अ चैलेंज। अदर हैंड यहाँ है मम्मी, अपना आराम से शांति से बना रही हैं अपना नॉन मिर्ची वाला। और ये देखो, ये अभी दिखने में मैगी जैसा दिख रहा होगा, लेकिन मैं इसको उबाल देती ना थोड़ा सा, बस चाखी, इतना तीखा लगा पता नहीं कैसे खाओगे। अगर फ्रेंड चैलेंज लेंगे हमारे, ले लो उसका स्मेल से खसे रहा। सूखा रखूं या क्या करूं? सूखा रखना है, सूखा सूखा रखना है, सूखा रखने से उसमें दिखाया था कि खाली बॉईल करके ड्रेन कर देना था। अच्छा। मसाला नहीं डालना था पहले, उसके बाद मसाला और ऑयल डाल के मिक्स करना था। तो तुमको मैगी को पहले बताना चाहिए था, मुझे क्या पता मैगी जैसे बनता है वैसा बनने का सोची। मैं जब आई तब तक आप मसाला डाल चुकी थी। अच्छा, कोई बात नहीं, चलता है। उस नूडल्स का पैकेट हॉट एंड स्पाइसी लिखा भी गया, पता नहीं मैं क्या सोच के लेकर आई है। नाम सुन के ले आई हो? नहीं, मुझे ये रामेन, मैंने रामेन देखा और मैं ले आई। हम एक स्पाइसी नूडल्स चैलेंज करेंगे आज ब्लॉग के स्टार्टिंग में ही, और हम लोग खाएंगे ये। इसका नाम है निसिन हॉट एंड स्पाइसी कोरियन वेज फ्लेवर गेक्की तकबुक्की फ्लेवर। ओके, दिस इज गोइंग टू बी रियली स्पाइसी। अगर किसी को कोरियन फूड्स पता है तो प्लीज मुझे बता देना, नेक्स्ट टाइम से मैं नहीं लाऊंगी। इस बार मतलब मुझे बहुत ही करेज से खाना पड़ेगा। ओके ओके ओके, हमारा नूडल्स आ गया है और ये ये खाने में ही डर लगेगा मुझे। लो, इसके लिए एक ले आई हूँ पान। ये है प्रोटेक्शन हमारा, या यहाँ भी है प्रोटेक्शन थोड़ा सा, सबको साइड में रखी हूँ मैं फॉर इन द सेक ऑफ प्रोटेक्शन। और ये है हमारा नूडल्स, मैं दिखा देती हूँ। इस रामेन थोड़ा सा अलग दिख रहा होगा जैसे कि पैकेट में, बिकॉज हम लोगों ने पहले नूडल्स को मसाले के साथ बॉईल किया एंड देन हम लोगों ने ऑयल डाला है। तो हर इज द नूडल्स आई गेस, एंड इसको अभी हमें खाना पड़ेगा। ओके, डर लग सूखा बातों में मत जाना, जिसमें एक्सपीरियंस हो वही करना, ठीक है? बेफालतू का ये खा लोगे? नहीं बाबा, मेरा 50 रुपीज का मतलब नूडल्स लाए 49 का, और उसमें तुम दुख भी मिलेगा। ये क्या क्या करेंगे बता, ये मैं खाऊं कैसे? चलो, आई विल फाइंड अ वे टू ईट दिस, बट अभी के लिए गाइस बाय बाय। वो नूडल्स लाइक मम्मी ने खाया एक बाइट और उनको बहुत स्पाइसी लगा, तो उन्होंने बोला वो मत खाओ, और हमारा उसमें हो गया पैसा वेस्ट। तो इसलिए अभी मैं चोकोस खा रही हूँ। यहाँ है चोकोस जो कि मैं कल लेकर आई थी, हम लोग गए थे रिलायंस फ्रेश वहाँ से। तो चलो अभी ये खाते हैं। जैसे कि मम्मी बोल रही थी कि वो साफ करेंगे कल, लेकिन हम लोग आज साफ कर रहे हैं मेरा रूम। और क्या, हाँ ये सब रखो ना। और मेरा है ना, इधर है मेरा 6th क्लास का बुक्स, और उसके इसके अंदर है
मेरा 4 का बुक्स, 5 का बुक्स और जो कॉपी जिनका पेजेस ख़त्म हो गया, ये सारे भी इसके अंदर जाएंगे और पैसे कमाएंगे। अभी तो हमें ज़रूरत है नहीं इस बुक कॉपीज की, बिकॉज पेजेस भी ख़त्म हो गए और बुक्स का क्या ही करेंगे इसीलिए। और मेरा टेबल आज पूरा खाली खाली मैं कर दूँगी, डोंट वरी गाइस। अभी तो बहुत ऐसे गंदे हालत में दिख रहा होगा लेकिन बाद में ठीक हो जाएगा ये टेबल। एक चीज़ है जो अपना जगह कभी चेंज नहीं करे वो है वाईफाई, इंटरनेट, वो अपना जगह कभी चेंज नहीं करे। नहीं क्योंकि उसके पास प्लग है ना, इसीलिए मैंने ओ हाँ ये बुक मार्क किया था, उसको रखे रहते हैं ये हम लोग। ये हमारे जो बुक्स एंड कॉपीज उसको क्या करोगे अभी, इसको बाहर रख दूंगी जब आएगा कल सुबह आएंगे तो फट जाएगा मुझे लग रहा है हमारा बस्ती का हस्ती। हो गया। अभी हम लोग हमारा रूम को शफल शफलिंग करेंगे, ये रहा रूम, और फैन वम बंद कर देते हैं, बेड को तो छोड़ो, मेरे स्टडी टेबल को पहले हम विल सी व्हाट वी कैन डू। मम्मी से पहले प्लान पूछते हैं आप क्या कहाँ रखोगी। मम्मी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा आप क्या कहाँ रखोगी। क्या कहाँ रखोगी मतलब, मतलब ये कहाँ रहेगा, ये कहाँ रहेगा, क्या कहाँ रहेगा, ये ऐसे होके रहेगा उस कॉर्नर में, टिल्ट होके रहेगा इधर, ऐसे तुम्हारा टेबल रहेगा और साइड में जगह जो बचेगा वहाँ तुम्हारा स्टेशनरी जैसे उधर रखी। यहाँ ये बेड कहाँ जाएगा, जगह खाली होगा बेड उस तरफ चले इधर। ओके शुरू हो जाओ। अभी रूम थोड़ा ठीक हुआ है, मेरा टेबल जो है वो यहाँ रह रहा है और वहाँ मेरा स्टेशनरीज रहेगा, पूरा नहीं हुआ है। यहाँ है हमारा वार्डरोब, यहाँ है हमारा और स्टेशनरी, वहाँ है हमारा शेल्फ, यहाँ है हमारा बेड, वहाँ है वाईफाई और यहाँ है मम्मी का टेबल जो जिसका चेंज कुछ हुआ नहीं, लेकिन मुझे वो झाड़ना पड़ेगा, क्लीन करना पड़ेगा। आपका टेबल आप क्लीन करना, मैं मेरा टेबल दोपहर को क्लीन करूंगी, लंच करके बाद इवनिंग को करूंगी मेरा। हाँ ठीक है तुम अपना कर लेना, और तुमको जहाँ रखना हो रख सकते हो, स्टेशनरी इधर भी तुम स्टोर करके रख सकते हो, कोई भी लगेगा नहीं, मतलब डिब्बे वाला। अब सोने जाने के बाद मैं सारा ठीक ठाक कर दूंगी, ठीक है। यहाँ है सारा प्रोजेक्ट और बेकार के आवरा डाबरा चीजें और कॉपीज, तो बुक्स एंड कॉपीज तो आपने देख लिया है, हम उनको बेच देंगे। और यहाँ बेड होने की एक अच्छी बात यह है कि यहाँ से विंडो और यहाँ सो भी पाएंगे कोई आराम से, वहाँ भी जा था वहाँ भी सो पाए पता कोई, पहले कहाँ था कि बेड में भूल गई, ऐसे ही था, नहीं इससे पहले जब हम मूव करने से पहले ऐसे ही था शायद, याद नहीं किधर था बेड, तो पहले यहाँ था, ये शेल्फ जो था पहले वहाँ था, मैंने कल का व्लॉग देख के मुझे पता चला। पत्ती कंफर्टेबल है दोनों तरफ से, यहाँ स्क्रीन है, सो सकते हैं आराम से। उनका सफाई का पार्ट हो चुका है, बस मेरे टेबल थोड़ा सेट करने जो कि मैं दिखा दूंगी। एंड अभी पता चला है कि बाहर हो रही है बारिश, वो पर बारिश एक साथ हो रही है अगेन, वो इधर आ रहा है पानी, मोबाइल में गिर रहा है,
बारिश हो रही है और धूप भी है थोड़ा थोड़ा सा. व्हाट इज दिस गोइंग ऑन? ओ हवा भी आ रही है, धूप भी हो रही है और बारिश भी हो रही है. ये मौसम है या फैशन शो? मेरा रूम जो है वो ठीक हो गया है और उसके बाद मैंने शूटिंग भी कर लिया, रूम टूर वीडियो वो आ जाएगा जल्दी ही. और अभी हमारा डिनर टाइम और आज के हमारे प्यारे प्यारे स्पेशल स्पेशल डिनर में है चौलबरा. अब हमें पता है कि हर एक वीक में हम लोग चौलबरा खाते हैं लेकिन इट इज़ टेस्टी. डर गई एलेक्सा नाउ कनेक्टेड टू एंड्रॉयड टीवी बोलती. मेरे काम से बहुत खुश हो, मैंने एडिट बोल रही थी अलेक्सा बोलेगी प्लेइंग फ्रॉम एंड्रॉयड टीवी, इसलिए मुझे आज ये डिनर मिल रहा है. सो आई एम हैप्पी दैट आई फाउंड दिस डिनर. तो मैं मेरा डिनर कंप्लीट कर दूँ ना, आप लोगों से मिलूंगी डिनर के बाद. तो गाइस तो मैं डिनर कर चुकी हूँ और मेरा रूम जो है लाइक प्रिटी प्रिटी क्यूट अच्छा दिख रहा है. एंड एक और चीज़ मैं बोलना चाहती थी, आई फाउंड दिस ड्राइंग कॉपी जिसको मेरा है जिसको मैंने बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया है, मतलब की होंगी पेज निकाल दी हूँ. तो उसका फर्स्ट पेज को छोड़ते, उसका सेकंड पेज भी गंदा है, थर्ड पेज निकल गया है, हाँ उसका फोर्थ पेज ठीक है. तो कल मैं ट्राई करूँगी इसमें कुछ करने के लिए, इन ब्लॉग भी ज़रूर बनाऊँगी. और मेरे वॉल में ज़्यादा मैंने पोस्टर्स में सोच रही थी बनाऊंगी लेकिन ज़्यादा मैंने भी कुछ बनाया है नहीं. मैं सोच रही थी बनाऊंगी लेकिन नहीं बनाई. और आज नाम नहीं है मम्मी ने बोला, तो हम अभी ऐसे ब्लॉग एंड कर देंगे. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग टिल दी एंड. अगर आप एंड मेरा रूम टूर जो है वो आप लोगों को मेरे चैनल में वीडियो आएगा, कब आएगा नहीं पता है बट ज़रूर आएगा नेक्स्ट वेंसडे आई गेस. तो स्टे ट्यून्ड, संडे को एक बहुत मज़ेदार मज़ेदार वीडियो आने वाला है. सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट ऑल्सो, जिसकी एडिटिंग मैंने आज ख़त्म कर दिया और थंबनेल बनाना भी आज ख़त्म कर दिया. तो आई रियली होप यू विल एंजॉय दैट वीडियो. मैंने आज मेरे नाखून भी पेंट किए. सो या थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग टिल दी एंड एंड आई रियली होप यू एंजॉयड इट एंड इफ यू डिड देन प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड क्लिक द बेल आइकन. बाय गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग. तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय. Thank you.